ही फ्राई कर लेंगे, अगर ज्यादा हो तो दो बार कर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राम राम, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो कैसे हैं आप लोग? तो मैं नहा धोवा कर रेडी हूँ और देखिए मैंने बाल धोकर नहा लिए हैं, अब चलते हैं खाना बनाते हैं क्योंकि टाइम भी हो गया खाना का। तो चलिए चलकर खाना बनाते हैं। और खाना में आज मैं क्या बनाऊंगी आप लोगों को दिखाती हूँ। तो चलिए चल रहे हैं खाना बनाने। तो देखिए दोस्तों, मैंने यहाँ पे बेसन ले लिए हैं, इसमें डालूंगी मसाले और ये डालूंगी हल्दी पाउडर, थोड़ा सा धनिया पाउडर और मिर्ची पाउडर, तीखा जितना खाना चाहते हो उतना। और मैंने 200 ग्राम से 250 ग्राम के करीब में बेसन लिया है और ये काली मिर्च। इसके बाद में डाल देंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए जीरा को ऐसे कर लेंगे, इसका डाल देंगे। फिर इसमें डाल देंगे स्वाद अनुसार नमक। और ये डाल देंगे थोड़ा सा हींग, मैं ज़्यादा नहीं खाती हूँ इसलिए थोड़ा सा, आप लोग जितना खाते हो उतना डाल सकते हो, मुझे ज़्यादा नहीं पसंद है। और इसमें से डाल दूँगी ये लहसुन, कुटे हुए लहसुन। और जिसके बाद में लास्ट में डाल दूँगी इसमें मेरे गर्म करके रखे हुए तेल है, तो इसे रख रही हूँ मैं। मतलब तेल रखते हैं बहुत क्रिस्पी बनता है, है ना ऐसे, मतलब बढ़िया से मिक्स करना है इसको। देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है, तो इसमें मैंने थोड़ी थोड़ी पानी डाला कर ऐसे गूंथ लूंगी, जैसे आटा गूंथते हैं वैसे इसको बना लेते हैं आटे की जैसे। देखिए फैमिली, ये हो गया है तैयार हमारा बेसन, और इसको आटा जैसे बिल्कुल लगा लिए। अब इसको लोहे जैसे ऐसे तोड़ लेंगे। सबको ऐसे ही तोड़ तोड़ के रख लेंगे। ये देखिए हमारा पानी भी गर्म हो चुका है, देख रहे हैं आप। तो इसमें हम ऐसे कर करके डालते जाएंगे। और मैं पहली बार इसमें पतीले में मतलब ट्राई कर रही हूँ, भगोने में, भगोने बोलो पतीले बोलो इसको जो भी बोलो। तो मैंने कढ़ाई में ही उबालती थी मैं पहले, लेकिन पहली बार ट्राई कर रही हूँ। मैं सोची कि देखती हूँ बनाकर अच्छे बने तो। तो ऐसे ही सारे बना बना कर रख लेंगे। तो देखिए मैंने पूरा बना के रख लिया, इसमें अब उबल रही है, थोड़ा सा ढक दे रही इसको, इसे ढक दे रही हूँ और गैस थोड़ा कम कर दे रही हूँ। तो देखिए दोस्तों, ये उबल कर कितना अच्छा हो गया है ना, और बिल्कुल भी टूटा नहीं है और बहुत अच्छा उबल कर हो गया। देखिए कैसे खुल गया है और पूरा के पूरा ऊपर आ गया है, देखिए एक भी नहीं अंदर है पूरा। देखिए मैं इसको देखिए पूरा ऊपर ही पानी के ऊपर चला रहा है। तो मैं पहली बार भगोने में ट्राई की हूँ, भगोने बोली है इसको, पतीला बोलिए, मैं कुछ भी बोल लेती हूँ। देखिए कितना अच्छा उबल गया है ना, बस थोड़ी सी और उबलने देते हैं फिर इसको बंद कर देंगे। देखिए दोस्तों, ये उबल के हो गया तैयार, ये मैंने निकाल लिया थाली में, अब इसको कट कर लेंगे। देखिए मैंने ये बेसन काट लिए हैं, देखिए ये थोड़ा मैंने तिरछा तिरछा करके, पास्ता की डिजाइन नहीं रहता ऐसे मैंने काट लिए हैं। और इधर कढ़ाई चढ़ा दिए हैं गर्म होने के लिए, तो डाल दे रहे हैं तेल। तेल गर्म हो जाएगा तो इसको फ्राई करके पहले निकाल लेंगे।
राधे राधे। तो देखिए तेल भी गर्म हो चुका है, हम इसको डाल दे रहे हैं। और ये बहुत ज़्यादा नहीं है इसलिए एक साथ ही फ्राई कर लेंगे, अगर ज़्यादा हो तो दो बार करके भी फ्राई कर सकते हैं। तो थोड़ी थोड़ी देर तक चलाते रहेंगे। देखिए दोस्तों ये फ्राई हो चुका है और कढ़ाई है ना बढ़िया से गर्म हो जाएगा। और फिर उसमें तेल रखिए, तेल में भी थोड़ी थोड़ी धुआं से निकलने लगे ना तब रखिएगा, तो कढ़ाई में नहीं चिपकेगा। देखिए जैसे कि मेरे कढ़ाई में नहीं चिपका हुआ, बिल्कुल कढ़ाई ऐसे चिकना चिकना सा। तो इसको ऐसे बनाइएगा ना बहुत अच्छा से कढ़ाई, वैसे कढ़ाई में चिपक जाता है तो फिर अच्छा नहीं लगता। फिर ग्रेवी बनाने में उसको हटाओ धो टाइम लगता है। अब इसको निकाल ले रहे हैं। तो ये फ्राई हो चुका है देखिए। और किसको किसको ऐसे ही खाना पसंद है, मुझे तो बहुत पसंद है। और मैं जब भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना थोड़ा ज़्यादा इसको बनाती हूँ। हल्दी पाउडर और ये धनिया पाउडर और ये डालेंगे मिर्ची पाउडर, ज़्यादा नहीं डालेंगे नहीं तो तीखा हो जाएगा। तो हिसाब से डालना है और ये डाल देते हैं साथ में नमक, क्योंकि नमक डाल देंगे ना तो ये प्याज जो भी है ना सब गल जाएगा। और साथ में ये डाल देंगे टमाटर, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। अब इसको ढक ढक कर अच्छे से पका लेंगे। देखिए मसाला भुजा गया है, देखिए ये प्याज अच्छा हो गया है तैयार। अब इसमें डाल दे रहे हैं पानी। जितना ग्रेवी आप रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डाल सकते हैं। अब इसमें उबाल आ जाएगी उसके बाद हम डालेंगे बेसन, क्योंकि जब तक उबाल नहीं आएगी तब तक हम बेसन नहीं डालेंगे, नहीं तो फिर उसका टेस्ट है ना
ऐसे फीका फीका से लगता है। तो पहले इसको उबलने देते हैं। देखिए उबल चुका है, तब इसमें डाल देंगे बेसन के ये गट्टे बना के रखे हुए। अब इसको मिक्स कर देंगे। अब ये बढ़िया से उबाल आ जाएगी, हो जाएगी सब्ज़ी बनकर तैयार। तो चलिए दोस्तों अब वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। सब्ज़ी तो थोड़ी देर में बस तैयार हो जाएगी और फिर मुझे खाना लेकर गेट पे जाना है। तो चलिए अब चलते हैं। मैं फटाफट से सब्ज़ी बन जा रही है, जब तक उधर कपड़े में धोकर रखी हूँ उसको फैला दे रही हूँ और फिर खाना वाना पैक करके फिर मैं लेके चली जाऊँगी। तो चलिए खाना पैक करूँगी, आप लोगों को नहीं दिखाऊँगी। तो चलिए यहीं पे वीडियो के एंड करते हैं। चलिए दोस्तों खाना लेकर चलते हैं और ये देखिए सब्ज़ी बनकर हो गया तैयार। देखिए तो अब बस मैं पैक कर रही हूँ, खाना लेकर चलती हूँ। तो बाय बाय, वीडियो के यहीं पे एंड करते हैं। और मैं बोल रही थी सब्जी नहीं दिखाऊंगी पर दिखा दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए बहुत अच्छे से बन चुकी है। तो चलिए अब चलते हैं गेट पे खाना लेकर। ऐसे भी टाइम हो चुका है, 11:30 बज गया है, टाइम हुआ नहीं है, बहुत लेट हो गया है। तो चलिए अब चलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा चावल खिला खिला बना है और ये देखिए सब्जी। वाह, चलिए चलते हैं अब खाना खाएंगे।